दादा आपका नाम? लक्ष्मण तिवारी। अच्छा दादा, किस तरीके से देख रहे हैं सातवें चरण को, क्या लगता है? सातवें चरण का चुनाव जो होने वाला है दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद पार्ट, बर्धमान, 24 परगना, जो इसमें एक बात आपको जान के जसरना होगा, यहाँ पर भी बीजेपी को मुनाफा होने वाला है। इसमें अगर टीएमसी को लग रहा है कि मेरा फायदा होगा तो यहाँ फायदा नहीं होने वाला है। कारण एक ही है कि अगर विवेचना किया जाए तो इस मसले पे तो देखिएगा ज़्यादा क्षेत्र प्रभावशाली है मुर्शिदाबाद और मालदा, कांग्रेस का प्रभाव है। और इस बार लड़ाई जो है अब्बास सिद्दीकी का जो ISF है उसके साथ कांग्रेस और लाल पार्टी का एक समझौता गठबंधन हुआ है, तो इस बार जो उधर इलेक्शन होने वाला है अगर फायदा होगा तो कांग्रेस को फायदा होगा, टीएमसी को फायदा नहीं हो रहा है। और टीएमसी को भी जो वोट मिल रहा है दोनों के फायदा उनको हो रहा है, लेकिन टीएमसी को बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ होने वाला नहीं है। और बाकी जो सीटें हैं बाकी है उस पर बीजेपी को ही फायदा होगा, कारण कि ममता बनर्जी का जो व्यवहार इलेक्शन कमीशन में आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से भाषा है उनके नेताओं का, जो भाषा है, गाली गलौज है, धमकियाँ हैं, इलेक्शन कमीशन को धमकी, पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों को धमकी कि इलेक्शन के डायरेक्शन पे काम करने वाले अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन की बात पे काम कर रहे हैं तो CM डायरेक्ट बोल रही है कि 2 तारीख के बाद हमें सीखिए देबो बूझिए देबो उधर के, ये जो एकदम अगणतांत्रिक जिसको कहा जाए ये अवस्था में पूरा खड़ा है बंगाल, लफुआबाजी जिसको बोलेंगे, लफुआबाजी चल रहा है। तो ये लोग एकदम देख के समझ गए हैं, वो टांग ये भी समझ गया, इसका भी कोई मुनाफा होने वाला नहीं है, लोगों ने समझ गया है कि जो पांव टूटने का जो नाटक किया जा रहा है हाँ। इसको भी लोग समझ गए हैं, इसलिए जो बंगाली वोटर्स हैं माइनॉरिटी भी कुछ वोट बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, इसमें दो राय नहीं है कि नहीं आने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी को कल के 36 सीटों पर फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा दादा, सातवां और आठवां जो चरण है वो साउथ कोलकाता और नॉर्थ कोलकाता में भी है। सबसे पहले हम आएंगे साउथ कोलकाता में, क्योंकि जो सातवां चरण है वो साउथ कोलकाता में होने वाला है। किस तरीके से देख रहे हैं वहाँ की सीट को, वहाँ का वोट किस तरफ जा सकता है, क्या लगता है? इस बार एक लहर है जान के रखिएगा, एक तरफ बीजेपी को ही फायदा होने वाला है कलकत्ता में भी, कलकत्ता में जिस दिशा में भी अगर जिस कोने में भी इलेक्शन होगा फायदा होगा किंतु बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को फायदा होगा ही, यहाँ कोई रोक नहीं सकता है। कल तक जो 223 सीटों का चुनाव हो चुका है उसमें 160 के नीचे नहीं है बीजेपी, ऊपर होगा, 160 निर्धारित है, निश्चित है, वो सीट पा गई है, वो मेजोरिटी पा गई है बीजेपी। किंतु इस बार जो बचा हुआ जो 200 पार बोलने वाली बात है, यही जो 71 सीटों पे जो सीट बाकी है इलेक्शन, इसमें और 40 पार करके ही बीजेपी को सीट मिलने वाला है। अच्छा, हमने देखा छठवें चरण के चुनाव में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली, उससे पहले भी जो 5 चरणों में वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ पर जो नुकसान होता है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का ही होता है, उनको ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है, मारा जाता है, बम फोड़े जाते हैं घरों में, क्या हम कल के चुनाव में भी क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है सातवें और आठवें चरण के चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन कल का जो हम लोग देख रहे हैं और अलर्ट हो गया है, और सैनिक बलों को भी बढ़ाया गया है और काफ़ी सक्रिय है इस मामले को लेकर के, कि कम से कम अब जो है मिनिमाइज़ किया जाए, कम से कम छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं। देखिए बंगाल है और ममता बनर्जी जिस तरह से एक वर्ग को बरगला रही है, ये पश्चिम बंगाल के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली बात है। देखिएगा अर्जुन सिंह के ऊपर परसों घटना घटी है, अर्जुन सिंह ये ममता बनर्जी जो की है एक कम्युनिटी को सामने उसने प्रस्तुत किया है, अर्थात बीजेपी के खिलाफ उन्होंने वो काम किया है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों के दिल पे लग रहा है कि मेरा ही एक भाई जो एक खास कम्युनिटी का आदमी बीजेपी के नेताओं पे हमला कर रहा है, अर्जुन सिंह पे हमला कर रहा है, वहाँ से सिक्योरिटी बचा के लेके जा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन का सवाल नहीं है, यहाँ पे CM पर यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दायित्व तो बनता है कि हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति ना बने। कल छिटपुट घटनाएं होगी, लेकिन जहां तक आशा है कि शांतिप्रिय ढंग से ही चुनाव कल का भी संपन्न होगा और आने वाला जो 29 तारीख को 8वां चरण है वो भी शांतिप्रिय ढंग से ही संपन्न होगा। मालदा मुर्शिदाबाद में हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक वहां पर ज़्यादा है, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है वहां पर उनकी संख्या ज़्यादा है, तो क्या लगता है क्या वो TMC की तरफ नहीं जा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लोग अभी कांग्रेस के साथ मैक्सिमम लोग चले जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं या ISF के साथ जा रहे हैं, जो जहाँ कैंडिडेट हो तो ज्वाइंट है वो लोग, तो अलायंस है वो लोग का, ज्वाइंट अलायंस में है वो, अलायंस में वो तीनों में से किसको देख रहे हैं, क्या लगता है? अलायंस में देखिए वहाँ पर कांग्रेस को सीट मिलेगा, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को, TMC वास आउट हो जाएगी वहाँ से, TMC वहाँ से सीट नहीं पाएगी। अच्छा, इस बार आपको क्या लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में कितनी सीट्स आ सकती हैं TMC की और बीजेपी की? सीट अगर मानिएगा तो 70 जो बोली है कल ममता बनर्जी, 70 पार हो जाए बहुत बड़ा उसके भाग्य की बात होगी। अच्छा, होने वाला नहीं है, 70 के नीचे ही रहना है उनको। अच्छा, और बीजेपी की? बीजेपी 200 पार कर रही है, इसमें दो राय, 200 पार। अच्छा,
चलिए, और कौन कौन से इलाकों से आ सकती है, क्या लगता है? ये जो आने वाला है बर्दवान से मिलने वाला है सीट, आपका ऐसा नहीं है मुर्शिदाबाद मालदा से सीट नहीं मिलेगा, दिनाजपुर सीट मिलेगा, मिलेगा सीट मिलेगा, ये नहीं है, हर जगह सीट मिलेगा बीजेपी। जो कल्चर है कि यहाँ पर डर का, गुंडागर्दी का, वायलेंस का तस्वीरें देखने को मिलती है, खत्म होगा वो आज ये अवस्था में कि बीजेपी के कार्यकर्ता साहस लेकर के बूथों पर जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन वोटर को ला करके वोट तो दिलवा रहे हैं, कैंडिडेट जो है वो भी तो मार खा रहे हैं, उन पर भी तो हमला हो रहा है, लेकिन साहस दे करके प्रशासन का मदद लेके, इलेक्शन कमीशन का मदद लेके, कम से कम वोटर को जैसे भी तो तक लाना चाहते हैं कि वोट में कन्वर्ट करा रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। स्टार्टिंग के फेसेस में हमने देखा था कि 80 के ऊपर थी परसेंटेज, वहीं पर हमने अभी जो लास्ट चुनाव हुआ वहां पर 79.11 परसेंटेज गई, क्या लगता है कल वाले चुनाव में क्या घटेगी बढ़ेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, वोट वही 80 के आसपास जाएगा, 80 के आसपास ही रहेगा, 70 से नहीं नहीं नहीं, लगभग 80 के आसपास रहेगा, वो 83 हो जाए 79 हो जाए अलग बात है। अच्छा, आप कह रहे परिवर्तन होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, यहाँ पे अगर नहीं परिवर्तन कीजिएगा तो यहाँ का जनमानस एकदम देख रहा है कि जल्दी परिवर्तन हो कि हमारी 2 तारीख की रात में को हम बढ़िया से नींद ले सकें, नहीं तो सबकी नींद हराम है यहाँ पे, हिंदू कराना हाँ मुश्किल हो गया यहाँ पे पूरा एकदम नींद 2 तारीख को रात में लोग नींद लेंगे, चाहे किसी कौम के लोग हों, नींद उनको उसी दिन लगेगी। हर लोग त्रस्त है यहाँ पे गुंडागर्दी से, माहौल से, लूट से, कट मनी से, पानी तक का पैसा वसूला जा रहा है, पानी पीने के लिए अगर आप पेट्रोल पंप वाटर पंप लगाए हैं उसका पैसा देना पड़ता है यहाँ के जनमानस को, आप एक घर बनाने जा रहे हैं वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं नमस्तान, इसलिए हर आदमी की जरूरत यही महसूस कर रहा है 2 तारीख की रात हम चैन की नींद सोएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी, तय है, यहाँ 2 राय नहीं है, लोगों ने मन बना लिया है। अवनीश कुमार सिंह, क्या लगता है लास्ट के जो फेसेज हैं, 7वां और 8वां जो चरण है, क्या लगता है कौन आएगा वहाँ से, किसको फायदा होने वाला? फायदा तो बीजेपी को ही होगा, बीजेपी को। मालदा मुर्शिदाबाद जैसी जगहों में जहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज है वो वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में है, वहाँ पर उनकी जो रेशियो है वो ज़्यादा है, क्या लगता है? देखिए यहाँ पे जो माइनॉरिटी है वो लोग दीदी पर से विश्वास हट चुका है उनका भी, क्योंकि इसका कारण है 2011 में जब यहाँ पे माँ माटी मानुष की सरकार बनी थी तब उनके जो मंत्री हैं जनाब फरियाद हकीम, उन्होंने एक वादा किया था मुस्लिम समाज से कि मैं यहाँ पे सेकेंड उर्दू लैंग्वेज घोषित करूंगा। अच्छा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, मुस्लिम को सिर्फ दिखलाया गया है सपना और वो लोग 10 साल देखे हैं, इस बार वहाँ के मुस्लिम समाज तृणमूल के साथ नहीं रहेंगे। किसके पास जाएंगे? ये कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, ISF के साथ जा सकते हैं, कुछ परसेंटेज बीजेपी के साथ में भी है, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि मोदी सबके साथ, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है, उनके साथ में भी है, लेकिन ज़्यादा फायदा इस चरण में ISF को जो मतलब कहीं ना कहीं वोट कट सकते हैं। हाँ, वोट कटेगा और उसके कारण जितना बीजेपी सीट वहाँ पे निकाल ले, वैसे बीजेपी तो मालदा में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी मालदा में। अच्छा। लेकिन मुर्शिदाबाद पूरा बाहुबल मुस्लिम क्षेत्र है। हाँ। जहाँ पे इस तरह का उकसाया गया है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है बीजेपी। हाँ। खुद ममता बनर्जी इस चीज़ को बार बार बोल रही हैं कि यहाँ पे NRC नहीं करने देंगे, CA नहीं करने देंगे, तो ये सब चीज़ को देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी एक और बात बोला था अभी ममता बनर्जी कुछ समय पहले कि सारे मुसलमानों को एक हो जाने का समय आ गया, एक होकर TMC को वोट दें, वो भी काम नहीं आएगा वो पैतरा? देखिए तो मीडिया में इसका असर ज़्यादा है, क्योंकि अगर मोदी जी यही बात अगर बोल देते मंच खुले मन से कि 70% एक जगह पर आ जाए और 27% जो यहाँ के मुस्लिम है उसको छोड़ दिया जाए, तो फिर उनके पास चुनाव आयोग का नोटिस जाने लगेगा कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। ये तो प्रोटोकॉल को ममता बनर्जी खुद मान नहीं रही हैं, 10 साल कैसे CM है समझ में नहीं आ रहा। अभी मीडिया में और तुरंत बोली हैं 1-2 दिन पहले कि 2 तारीख पूरे आमी पुलिस प्रशासन के बूझिए दी वो। आपने ये रकम कोथा कोरबेन, आपने इसका मतलब ये था कि वो पुलिस को डायरेक्ट हिट किए हैं कि आप सही तरीका से काम करिए। अच्छा, पुलिस को नहीं तो 2 तारीख के बाद आपको हमसे ही जवाब लेना पड़ेगा। मतलब धमकी यहाँ पर पुलिस को भी दी जा रही है, खुलेआम मिल रहा है। कोई है ऐसा यहाँ पर जिसको धमकी ना दी हो ममता बनर्जी ने? इलेक्शन कमीशन को भी दे दी, कोर्ट प्रवक्ता बोल दिया, प्रशांत किशोर है शायद, उसको धमकी नहीं मिला है।